देखिए, घर में जब सफाई करने की बारी आती है तो सबसे बड़ा टास्क होता है किचन को साफ करना। इसे सोचते ही घबराहट सी होने लगती है क्योंकि इस जगह को क्लीन करने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है और सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। सो आज की वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कम से कम मेहनत में और कम से कम टाइम में कि किस तरह से हम अपने किचन को क्लीन कर सकते हैं। सो चलिए आज का ये मोटिवेशनल वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम अपने किचन की जितने भी वॉल हैंगिंग डेकोर आइटम्स लगाए हैं उसे हम हटा देंगे। कुछ टाइम पहले हमने अपने किचन का जब मेकओवर किया था तो ये सारे DIY कोट्स फ्रेम हमने लगाए थे। वीडियो का लिंक हम आई बटन पे दे देंगे, अगर आप लोगों को दिखना हो तो दिख लीजिएगा। अब ये पुराने हो चुके हैं तो जब नेक्स्ट मेकओवर करेंगे तो उसमें हम नया DIY करके लगाएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग। तो सबसे पहले हम फॉल सीलिंग को क्लीन कर लेंगे, तो जो भी जाले हो या डस्ट हो अच्छी तरह से क्लीन हो जाए, एंड देन स्टार्ट करेंगे जितने भी किचन के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उसे क्लीन करना। देखिए, सफाई करने का सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन अगर आप उसी क्लीनिंग को एक सिस्टमेटिक तरीके से करना शुरू करेंगे तो ज़्यादा घर फैलेगा भी नहीं और जल्दी से क्लीन भी हो जाएगा। अब देखिए, चिमनी का सबसे ज़्यादा किचन में यूज़ होता है तो जाहिर है सबसे ज़्यादा ये गंदा भी होता है। इससे पहले जब हमने किचन का अपने डीप क्लीनिंग वीडियो आप लोगों से शेयर किया था तो उसमें DIY लिक्विड से इसको क्लीन किया था, बट आज इसे हम इस टोटी क्लीनर लिक्विड से क्लीन करने वाले हैं। इसको हमने हार्डवेयर शॉप से खरीदा है। इसको यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। जहाँ जहाँ गंदा था वहाँ वहाँ अच्छी तरह से स्प्रे करने के बाद हमने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। उसके बाद फिर हमने लिया पॉली बैग, उसी से ही देखिए हमने क्लीन कर दिया और जितना भी डस्ट एंड ग्रीस था वो क्लीन हो गया। ये हमारी पुरानी फ्रिज थी जिसे हम सेल कर चुके हैं तो क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम निकाल रहे हैं बाहर साइड और रखेंगे हम यहाँ पे नई फ्रिज। अब हम क्लीन करने जा रहे हैं माइक्रोवेव ओवन और मिक्सर को। जब भी हमें अपने घर की डीप क्लीनिंग करना होता है तो हम अपने माइंड को एक दिन पहले ही प्रिपेयर कर लेते हैं कि अर्ली मॉर्निंग उठना है, फटाफट से खाना बनाने के बाद फिर हम अपने काम में लग जाना है, क्योंकि ऐसा करने से एक तो काम जल्दी हो जाता है, रिलैक्स फील होता है, खुशी मिलती है और सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। अगेन यहाँ पे हमने लिया है ये टैप क्लीनर लिक्विड, इसी से ही हम माइक्रोवेव ओवन को क्लीन करेंगे। एक्चुअली ये टैप क्लीनर लिक्विड मल्टीपर्पज़ काम करता है तो इसलिए हम इस लिक्विड से ही सारा अपने किचन का सामान क्लीन कर रहे हैं। लाइक जहाँ जहाँ ग्रीसी है, हार्ड स्टेन है, उसी पे ही बस हम इसको यूज़ कर रहे हैं, बाकी चीज़ों को हमने कूलिंग से क्लीन किया है। देखिए, हम अपने किचन को डेली रूटीन में हमेशा से क्लीन रखते हैं, लेकिन जो डीप क्लीनिंग करते हैं वो 6 महीने में एक बार तो मेरे लिए मस्ट है। अब कुछ दिन पहले हमारे घर में काम लगा हुआ था तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था किचन को क्लीन करना। सो अब हम किचन के जितने भी क्लोथ्स हैं उसे हम क्लीन कर लेंगे, लाइक एप्रन, किचन टॉवल, कवर, ग्लव्स वगैरह वगैरह। तो ये सारे कपड़ों को हम गर्म पानी में भिगो के रख देंगे, उसके बाद फिर हम वॉश कर लेंगे। इस कॉर्नर पर हमने ये वुडन शेल्फ लगाया था तो इसे हमने हटा दिया है। अब हम कैबिनेट से सारे जार बॉक्स को हटा देंगे और साथ ही साथ अंदर से अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। हमने अपने किचन में 3 वैरायटीज के जार रखे हैं, एक तो ग्लास के, दूसरा प्लास्टिक के और तीसरा स्टील के। ग्लास जार में सारे स्पाइसेस को रखते हैं, प्लास्टिक बॉक्स में दालों को रखते हैं और इसके अलावा स्टील बॉक्स में आटा, चावल, मैदा, बेसन को रखते हैं। यहाँ पे हमने सारे कैबिनेट्स को खाली करने के बाद अंदर से अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है। अब जब तक ये ड्राई हो रहा है तब तक हम सारे जार बॉक्स और बर्तन को वॉश कर लेते हैं। आजकल तो बारिश का मौसम चल रहा है और इस मौसम की वजह से किचन में और भी ज्यादा मॉइस्चर लगता है, तो इसलिए हम हर साल की तरह इस मौसम में अपने किचन की डीप क्लीनिंग जरूर कर लिया करते हैं। बहुत ही ज्यादा जरूरी है अपने किचन को हाइजीन रखना, क्योंकि इस मौसम में मॉइस्चर की वजह से इंसेक्ट्स ज्यादा दिखाई देने लगते हैं। तो देखिए, जितने भी जार एंड बॉक्स थे सभी को हमने वॉश कर लिया है। अब हम कैबिनेट के अंदर पेपर बिछा देंगे और साथ ही साथ इनको रखते जाएंगे। अब हम क्लीन करने जा रहे हैं ये वाटर डिस्पेंसर जो कॉपर का है। कुछ टाइम रखने के बाद इसका कलर डल पड़ जाता है, जिसको हम इस लिक्विड से क्लीन कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये लिक्विड है, थोड़ा सा यूज़ करने के बाद ये पूरे बर्तन को चमका देता है। थोड़ा सा बस हमने इसको स्पॉन्ज में लिया है, पानी नहीं लेना है। डायरेक्ट इस लिक्विड को लगाने के बाद 2 से 3 मिनट रब किया है हमने और फिर वॉश कर दिया, और ये देखिए आपके सामने रिजल्ट, क्या ज़बरदस्त में शाइनिंग आ गई। जितनी भी इसकी डलनेस थी वो ख़त्म हो गई। सो ये लिक्विड कॉपर एंड ब्रास के बर्तन को क्लीन करता है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, अच्छा प्रोडक्ट है। सारे जार अच्छी तरह से ड्राई होने के बाद साथ ही साथ हमने अरेंज करके सभी को जगह पर रख दिया। अब हम किचन के सारे आउटर कैबिनेट्स को क्लीन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जो वॉलपेपर लगाया था उसे हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे हमने पानी डाला है, नॉर्मल पानी, उसको सोक के लिए हमने 5 मिनट छोड़ दिया था और देखिए ये इजली निकल आया।
इसी तरह से हमने ऊपर वाले को भी निकाल दिया है। बाहर से कैबिनेट को क्लीन करने के लिए हमने स्पॉन्ज में लिया है थोड़ा सा डिशवॉशर लिक्विड, उसी से ही हम कैबिनेट्स को क्लीन कर लेंगे। पहले हमने पूरे कैबिनेट को रब किया, उसके बाद फिर हमने गीले कपड़े से वाइप किया, देन हमने सूखे कपड़े से। गैस चूल्हे के ऊपर वाले पोर्शन को जरूर साफ किया करें, इसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, तो इसको भी हमने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। अब हम यहाँ पे सारे स्विचेस को उसी डिशवॉशर लिक्विड से क्लीन कर रहे हैं, तो पहले हमने रब किया है, उसके बाद फिर हमने वेट पाइप से क्लीन कर दिया। सेम प्रोसेस से हम टाइल्स को भी क्लीन कर लेंगे। वीडियो हम पूरा नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा, और इसी तरह से हम गैस स्टोव को भी क्लीन कर लेंगे। स्टोव को क्लीन करने के लिए सोडा विनेगर का भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि डिशवॉशर लिक्विड से भी अच्छा रिजल्ट आ जाता है। इससे पहले जो हमने डीप क्लीनिंग का वीडियो आप लोगों से शेयर किया था, उसमें हमने सोडा विनेगर से ही गैस चूल्हे को क्लीन किया था, बट यहाँ पे हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि डिशवॉशर लिक्विड से भी अच्छा रिजल्ट आता है। मेक श्योर जब गैस चूल्हे को क्लीन करें तो इसके रेगुलेटर को ज़रूर निकाल के मेटल ब्रश से क्लीन कर लिया करें। तो देखिए जो भी हार्ड स्टेन इसमें लगा हुआ था ब्रश से क्लीन हो गया, और अब हमने यहाँ पे लिया है विट वाइप, उसी से हम वाइप करने के बाद लास्ट न्यूज़पेपर से इसको वाइप कर देंगे पूरी तरह से। ये देखिए गैस चूल्हा शाइन करने लगा। चलिए अब हम काउंटर टॉप को क्लीन कर लेंगे, और इसको क्लीन करने के बाद फिर हम आ जाएंगे नीचे साइड। तो देखिए हमने क्लीनिंग को ऊपर से स्टार्ट किया, फिर हम आए नीचे साइड, तो इस तरह से हमने सिस्टमेटिक तरीके से अपने किचन की क्लीनिंग करना स्टार्ट किया, जो हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है, ज़्यादा फैलता भी नहीं है। नीचे के सारे कैबिनेट्स को क्लीन करने के बाद अब हम आ गए हैं सिंक एरिया को क्लीन करने। सो यहाँ का काउंटर टॉप सिंक टैप को अच्छी तरह से रब करने के बाद फिर हम वॉश कर देंगे, देन हम वाइप कर लेंगे। साथ ही साथ मनी प्लांट्स की भी हम डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। इसको हमने पानी में लगा के रखा था, और इस पानी में हमने डाला था टी बैग, जिसकी वजह से इसका कलर चेंज था, क्योंकि टी बैग डालने से लीव्स का कलर बहुत ही हरा भरा हो जाता है, तो इसलिए हम यूज़ करने के बाद इस टी बैग को इसमें डाल देते हैं। जितनी भी डेड लीव्स थी इसको हम रिमूव कर रहे हैं, और देखिए इस तरह से हमने पानी में लगा के इसको रख दिया, बहुत ही अच्छा प्रोपोगेट हो जाता है। फिर हम उसको सॉइल में लगा लेते हैं। ऑलमोस्ट हमारे किचन की डीप क्लीनिंग हो चुकी है, अब जितना भी कूड़ा है उसे हम निकाल के बाहर कर देते हैं, उसके बाद फिर हम कर लेते हैं वॉशिंग। सो फाइनली हमारे किचन की क्लीनिंग हो चुकी है, एंड चलिए दिखाते हैं कि क्लीन करने के बाद हमारा किचन किस तरह से लग रहा है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को आज की वीडियो से काफ़ी हेल्प ली होगी। सो जब भी अपने किचन का डीप क्लीनिंग करना हो तो इस स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ऐसा करने से आपका किचन ज़्यादा फैलेगा नहीं, और स्टेप बाय स्टेप किचन को क्लीन करेंगे तो आपका किचन ज़्यादा क्लीन लगेगा। सो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आप सभी को ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल पर कोई नया आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद मेरे किचन का होने वाला है बहुत ही ब्यूटीफुल सा मेकओवर। सो आई एम सेइंग वंस अगेन, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए फिर मिलेंगे किचन के नए मेकओवर वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए एंड बाय। Let go of